आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। कर्नाटका के शहर बेंगलुरु से है, जहां पर एक अभी अभी खबर मौसल हुई है कि ईमेल के जरिए 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मौसल हुई है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है, जो ईमेल में एक इस तरह की बात की गई है कि मुसलमानों को बदनाम करने की या कोई साजिश हो सकती है, जो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और पुलिस प्रशासन को इस साजिश को बेनकाब करना ही होगा, वरना एक नफरत की दीवार, एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है जो इस देश के लिए और एक स्टेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये धमकी स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए दी जा रही है, जो कि 40 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। या तो अल्लाह के आप दुश्मन हैं, या तो इस्लाम कबूल करना होगा, या आपको हम मार देंगे। इस तरह के ईमेल बताए जा रहे हैं। ईमेल में सच्चाई क्या है और भेजने वाला कौन है और ये किस साजिश का काम हो सकता है, इसको पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए और फौरन लोगों के सामने इस हकीकत को लाना चाहिए, वरना इस नफरत को कोई मिटा नहीं सकता है। ये नफरत को बढ़ाने की एक साजिश है, जो हिंदू मुस्लिम इस देश में भाईचारे से, मोहब्बत से रहते हैं, इनको तोड़ने की एक साजिश की जा रही है। इस ईमेल के जरिए जो पैगाम दिया गया है, यह सरासर एक साजिश हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये साजिश के सिवा, अफवाह के सिवा और एक नफरत पैदा करने के सिवा कोई और काम नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़े और ऐसी सख्त सजा दे कि इनकी नस्लें भी याद रखें कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई न कर सकें, क्योंकि ये देश अमन और शांति का देश है और सब लोग मिलजुल कर रहने का नाम देश भारत है और हमारा स्टेट कर्नाटका है। इसमें इस तरह की ईमेल भेजकर हम लोगों में नफरत पैदा नहीं कर सकते और लोगों से हम अपील करते हैं कि डर और खौफ को निकाल दीजिए, ऐसे नफरत करने वालों से दूर रहिए और जो भी आपको परेशानी होगी पुलिस प्रशासन से राब्ता कायम करें। और पुलिस प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस साजिश को बेनकाब करके लोगों के सामने पेश करें और लोगों के दिलों का डर और खौफ को निकालें और इन्हें सख्त से सख्त सजा दें। आइए देखते हैं। ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಕೇಡಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಾನಿ ಟಿ ವಿ ಮೇದೆಗೆ ಮರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕರ್ಕೊಬೋದೆ ಕಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಕಾ ಇ ಆಯಾಕೋ ಬಾದ್ ಮೇಲ್ ದೇಖಾ ಮೈ ಟಿ ವಿ ಮೇ ಮೇಲ್ ದೇಖಾ ಮೇಲ್ ಮೇ ಓ ಚೈಸಾ ಯೇ ಕರ್ಕೊ ಫೋನ್ ಕಿ ಎಕ್ ಹರಾಮಿ ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ ಭೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಚೆ ಬಚ್ಚಾಂಗೆ ಸ್ಕೂಲಾಂಗೆ ವಸ್ತೆ ಭಯ ಹಮೇ ಪಡಾನೆ ವಸ್ತೆ ಇತ್ತ ಯೇ ಕರ್ತೀನಿ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥಾ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಮಗರ್ ಒತ್ತಾ ಯೇ ದೇನೆ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಿಯಾಲ್ ರೀ ಹಾಂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆ ಇನ್ನೋ ಸಭೆ ಆ ಜಾಗೋ ಯೇ ಕರ್ಕೋ ಯಾ ಎಕ್ದಮ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಕರಾಲ್ಕೋ ಪೂರ್ಯಾಂಗು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸಿ ಕು ಬಿ ನೀನ್ ನೀ ಚೈನ್ ನೀ ಸರಿಗಾ ಹೋಗಾ ಹೋ ಐಸಾ ಕರ್ಕೋ ಕರೆ ಜಾ ಬುಲಾ ಲಗಾ ಜಾ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿ ಮಾಮಿಲಾ ತ ಕ್ಯಾಬಿ ನೀ ಅಂತ ವೈಸಾ ಕ್ಯಾಬಿ ನೀ ಬಿ ಮೇಲ್ ಅಬ ಈಜಿ ವೇ
मेल भेजदा कौन की भेजदाल को कौन की अगर को पूरी इसको ये कराल को टारगेट टारगेट कर ले को जारी है, ये समझ में नहीं आ रहा। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।